तो दोस्तों, आज हम एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। कई बार जब हम अपने स्कूल के दिनों में दोस्तों से बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो पहचान में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कई परिवर्तन आ गए होते हैं। 10 या 11 वर्ष की आयु में के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि दिखाई देने लगती है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवावस्था में आ गए हैं। अतः जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। इसे हम आमतौर पर टीनेजर्स भी कहते हैं। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत है। इनमें से महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाती है। आइए अब यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाले सबसे अधिक दिखाई देने वाला परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है, अतः व्यक्ति लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा अलग-अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न-भिन्न होती है। कुछ यौवनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे-धीरे वृद्धि करते हैं। शारीरिक आकृति में परिवर्तन। आपने ध्यान दिया होगा कि निचले कक्षा के छात्रों की अपेक्षा में ऊपरी कक्षा के छात्रों के सीने एवं कंधे अधिक चौड़े होते हैं। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठित दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग-अलग हैं। स्वर में परिवर्तन। यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल भी यानी कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च ताड़त्व वाला होता है यानी हाई पिच, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में श्वेत एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। अतः अगर आपके साथ हो तो घबराए नहीं। जनन अंगों का विकास। यौवनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व हो जाता है। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। प्रायः बच्चे इन बदलावों से घबरा जाते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं होती है, अतः घबराए नहीं। मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है।
पहले की अपेक्षा में किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन काल में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। आइए अब गौण लैंगिक लक्षण के बारे में बात करते हैं। वे शारीरिक लक्षण जो युवा अवस्था में लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए, लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों में के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों के ही बगल एवं जांग के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। इन अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं। यह अंतःस्रावित ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावित तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवना आरंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन का श्रावण प्रारंभ कर देता है और लड़कियों में अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है जिसमें स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित हो जाती है। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आइए अब जनन प्रकार प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां रुधिर प्रवाह में यानी ब्लड वेसल्स में स्रावित करती है जिसमें वह शरीर के विशिष्ट भाग में अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। अब जानते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त होता है। इस प्रश्न के बारे में बहुत लोगों को दुविधा होती है। जब किशोरों के वृषण अथवा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जनावस्था का प्रारंभ यौवना आरंभ यानी 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्म नज को ग्रहण कर सके जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निसारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवना आरंभ में होता है जिसे रजोदर्शन भी कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। आइए अब संतति के लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में प्राचीन काल से मिथ्या फैली हुई है। निषेचित अंडाणु अथवा
युग्म नज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुण सूत्रों में निहित होती है। हम जानते हैं कि पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र तथा महिलाओं में एक्स और एक्स बच्चे की लिंग निर्धारण करते हैं। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में दो एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। आइए अब लिंग हार्मोन के अतिरिक्त कुछ अन्य हार्मोन के बारे में चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि, वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग हो जाते हैं जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण करता है। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं। किशोर की पोषण आवश्यकता है। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भलीभांति धोना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। शारीरिक व्यायाम। ताजी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा, किशोर, लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। नशीली दवाओं का निषेध करें। यह किशोरों के लिए अति महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है, अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग या नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए न कहना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर के द्वारा न कहा गया हो। थैंक यू।